यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नूपुर शर्मा फिर से रूमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस बार उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि नूपुर शर्मा को भाजपा जल्द ही CM पद का दावेदार बना सकती है। उन्होंने कहा कि 6-7 महीनों में नूपुर शर्मा एक बड़े नेता के रूप में पेश हो सकती है। हो सकता है कि भाजपा उन्हें दिल्ली के CM पद का दावेदार भी बना दे। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार कर उन पर जल्द ही कार्रवाई करना काफी आवश्यक है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री से ये भी बोलेंगे कि आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन को गिरफ्तार करो और ये कानून के दायरे में नहीं, अभी पुकार रहे थे, नहीं, भारत का जो कानून है उस कानून के दायरे में हम एक्शन चाह रहे हैं। जमहूरियत है, संविधान है, IPC है, CRPC है, मेरे दिल में बहुत कुछ होगा मगर संविधान के दायरे में, और वो करना चाहिए। मगर मुझे यकीन है कि 6-7 महीने के बाद नूपुर शर्मा फिर से रूमदार होंगी और उसको बनाकर पेश किया जाएगा कि ओ बहुत बड़ी नेता है। कि कल वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के होदे पर दावेदार बन जाए, हो सकता है भाई, यही तो हकीकत है हमारे देश की। जितना गाली देंगे मुसलमानों को, जितना अनाप शनाप बकेंगे, उनका मुस्तकबिल है, बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया जाता है उनको, और उसके बाद बोलते अरे मजलिस क्या कर रही। फिलहाल लगातार देश के कई राज्यों से और देश के कई बड़े नेताओं से नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि नूपुर शर्मा पर आखिर कब तक कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट में ट्रू। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।